दोस्तों नमस्कार, मौजूद हैं अलवर की सब्जी मंडी में। देख सकते हो टमाटर की गाड़ियां लगी हुई हैं, इसी जगह पर रोज़ टमाटर बेचा जाता है। तो आज चलते हैं टमाटर के व्यापारियों के पास में और उनसे पूछते हैं कि आज टमाटर की कितनी आवक है और कैसा टमाटर है, कहां से आवक हो रही है। बात है टमाटर के व्यापारियों से पूछते हैं कि आज अलवर की जो मंडी है उसमें टमाटर के क्या भाव देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में। नारायण जी, आज अलवर में जो टमाटर है इसके क्या भाव देखने को मिल रहे हैं? टमाटर का भाव बाबू जी, आज अगर सोलन मंडी का देखें तो टमाटर का भाव 650 से 700 है। बेंगलोर का बाज़ार चल रहा है 700 से 800-900 साढ़े, तो बाज़ार में गिरावट आई। कर्नाटक का भी आ रहा है? कर्नाटक का नहीं, तो हिमाचल और बेंगलोर से। बेंगलोर का 750, 800, 900 रुपये तक बिक रहा है। 700-650 रुपये बिक रहा है हिमाचल सोलन मंडी। ठीक है, मिलवाते हैं दूसरे व्यापारी से, उनसे पूछते हैं कि आज अलवर में जो टमाटर है उसका क्या भाव देखने को मिल रहा है और कहां कहां से जो टमाटर है इसकी आपूर्ति हो रही है, क्योंकि कई क्वालिटी का और कई प्रदेशों का टमाटर अलवर में आ रहा है और रोज़ आवक के हिसाब से जो भाव हैं उनमें तेजी मंदी के आसार बन जाते हैं। तो कभी आवक ज़्यादा हो जाती है तो भाव कम हो जाते हैं, आवक कम हो जाती है तो कुछ भाव में तेजी हो जाती है। मिलवाते हैं एक और व्यापारी से और उनसे पूछते हैं कि आज टमाटर के क्या भाव चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, तो आज जो टमाटर है इसके क्या भाव देखने को मिल रहे हैं? सर इसके टमाटर 600, 650, 700। ये जो अपने सामने टमाटर है कौन सा टमाटर है? ये सोना मंडी हिमाचल का टमाटर। अच्छा, हिमाचल का। दूसरी साइड है जो थोड़ा मोटा टमाटर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे टमाटर दो साढ़े दोनों का क्या? हाँ, ये बेंगलोर अलग है, बेंगलोर बाज़ार 800 से 900 रुपये चल रहा है और सोना मंडी का 650 से 700। टमाटर है इनके भाव ज़्यादा आवक ज़्यादा हो रही है टमाटर की। औरंगाबाद MP का चल गया, बेंगलोर चल रहा है, सोना मंडी का चल रहा है। आवक की बात करें अलवर में कितने कैरेट टमाटर की आवक? लगभग कैसे 2500 कैरेट कम से कम। आवक भरपूर हो रही है? हाँ भरपूर हो रही है, 2000 से 2500 कैरेट। आपका शुभ नाम पूछना चाहेंगे? अशोक यादव। या तो सब मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि किसान भाई आपसे सीधा जुड़ जाए। 7734-98-0138। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।